इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें। सलाम अलैकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं आज की अहम खबर पर। कांग्रेस कायद फेरोज खान, जिन्होंने हमारे सीएम केसीआर और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत कुछ कहा, उन्होंने ये कहा कि जब तक कृषि कानून का बिल वापस नहीं हो जाता तब तक जो है कांग्रेस के कायद अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, और इसके अलावा क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं। एआईसीसी के कॉल पे तेलंगाना कांग्रेस पार्टी हमारे प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब की सदारत में, ग्रेटर हैदराबाद प्रेसिडेंट अंजन कुमार साहब के साथ हम गवर्नर को जाके एक मेमोरेंडम सबमिट करना, जो ये लास्ट मानसून सेशन के अंदर जो 3 फार्म लॉज गवर्नमेंट पास करी और उसको बिल की शक्ल दे दी, सारा हिंदुस्तान एहतजाज कर रहा। 3 करोड़ फार्मर आज को 55 दिन है रोडों पे है, औरता बच्चे सर्दी में भूखे रोडों पे है, मगर बीजेपी की हुकूमत नरेंद्र मोदी और एक वो नरेंद्र मोदी का चेला है मिनिस्टर, उसका भी नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, रत्ती बराबर भी जूने चढ़ रही इनके कानों के ऊपर। हम पहले दिन से कांग्रेस पार्टी जिस दिन से राज्यसभा और लोकसभा में ऑर्डिनेंस के द्वारा ये बिल पास करे, उस दिन से कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट के बाहर हर जगह एक ही बात बोल रही कि ये जो बिल है ये एंटी फार्मर है, एंटी एग्रीकल्चर है, ब्लैक बिल है ये। आप इसके अंदर एक MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका लॉ फिक्स नहीं करें, और APMC जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है आप उसको रद्द कर दो बोल रहे, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं क्योंकि पब्लिक को समझ में आ रहा है। फार्मर्स जो भी अपना अनाज उगाएंगा वो आके रेट डिसाइड नहीं कर पाएगा, उन्हें प्राइवेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, वहां पर वो लोग रेट डिसाइड करेंगे। और आप एक क्या दिए ये बिलों में, जितना भी माल आप स्टोर कर सकते हो। एग्जाम्पल, मैं प्राइवेट वाला हूं, मैं सालों से 1-2 लाख टन स्टोर कर देता हूं। उसके बाद में फार्मर आता आए तो बोलता साहब मेरे पास 2 लाख टन है, तू देता तो 50 रुपए में दे, नहीं तो नको। तो ये चीज जो MSP की है, ये जो क्लॉज है ये बिल में नहीं है। आज को 9th राउंड हो गया मगर MSP की बात नहीं करी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का शाना फाना देखो आप। अमेंडमेंट करे किस पे अमेंडमेंट करे? पोल्यूशन बिल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, मगर जो मेन मसला है वो नहीं करे। सुप्रीम कोर्ट भी स्टे दे दी, 4 जनों की कमेटी डाल दी, और फार्मर्स क्या बोले, जब तक आप ये बिल को विड्रॉ नहीं करेंगे हम ये कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। सर आज का कॉल जो था ये पेट्रोल डीजल के लिए, बल्कि कुछ पेट्रोल डीजल भी साथ साथ हमारा ये मांगना था। COVID-19 से पूरा हिंदुस्तान तकलीफ में है, नौकरियां खत्म हो गए, नौकरियां हैं तो आधे नौकरियां हैं, कारोबार खत्म हो गया। आप जानते गवर्नमेंट मदद नहीं करी, सेंटर गवर्नमेंट नहीं मदद करी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ मदद नहीं करी, COVID-19 में 2 महीने का ड्रामा करे उसके बाद कोई भी मदद नहीं करे। ऐसे टाइम के ऊपर आप ये पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ा रहे। जब फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया क्या है मैडम पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ा रहे, तो मैडम पलटा के बोलती है रेवेन्यू जनरेट करने का एक मेन जरिया है पेट्रोल डीजल, तो इकोनॉमी को रोड पे लाना है। तो हम पलट के कांग्रेस वाले बोले इकोनॉमी को रोड पे लाना है बोल के, गरीबा तो पहले रोड पे है, क्या आप जाके समंदर में कूद जाना क्या गरीबा? तो मेहरबानी करके आप गरीबों के ऊपर जो वजन डाल रहे, मेहरबानी करके वो पेट्रोल डीजल का प्राइस आप मेहरबानी करके मत बढ़ाइए।
वक्त बहुत नाजुक है हिंदुस्तान का, और जो हमारा मेन मुद्दा था, आप पहले दिन से कांग्रेस पार्टी फार्मर्स के साथ थी, कांग्रेस पार्टी जय जवान जय किसान बोलीसो पार्टी है, पहले दिन से हम फार्मर्स के साथ है, और इंशाल्लाह जब तक ये बिल आप वापिस नहीं लेंगे, और अमित शाह के बोलते हम नहीं लेते बिल, आप कुछ भी कर लो तो तानेशाही छोड़ना पड़ता नरेंद्र मोदी को, और जब तक फार्मर्स की मांग पूरी नहीं होंगी कांग्रेस पार्टी रोड पे रहेंगी, हमारा एहतजाज और बढ़ाएंगे, ना बीजेपी ना नरेंद्र मोदी ना तोमर ना अमित शाह किसको सोने नहीं देंगे, और आप जितना रोकना है रोक लो। और रही बात यहाँ केसीआर जो फार्मर्स के बिल को गलत है बोला, उन्हें जैसा नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मिला यू टर्न ले लिया, और जो एपीएमसी है उसको बंद कर दो बोल रहा, केसीआर का ड्रामा क्या है। और एक बात, जब अगर से केसीआर फार्मर्स के तालुक से बात करता स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे आप, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था तो स्पेशल सेशन बुलाया, आज आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे। तो ये नरेंद्र मोदी केसीआर ड्रामेबाज है, हिंदुस्तान के दो बट्टेबाजा है, सबसे बड़े झूठे है। इंशाल्लाह जब तक फार्मर्स की मांग पूरी नहीं होंगी आंदोलन पूरा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी रात और दिन उनके साथ है। जय हिंद जय कांग्रेस, शुक्रिया धन्यवाद। मोहम्मद या शर्मा की लाजवाब पेशकश, मोहम्मद या मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है अलाहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए। एक बार चले आइए, बार बार चले आइए मोहम्मदिया मंदी हाउस, तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए। आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद, 9701806623।